दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे बिजल फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट के बारे में भी, और जानेंगे कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट हुई थी या फ्लॉप। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बिजल सन 2019 में आई एक स्पोर्ट एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में विजय नयनतारा, जैकी श्रॉफ, कथिर विवेक, डैनियल बालाजी, आनंदा राज, योगी बाबू, अर्जुन बाजपा, इंदुजा रविचंद्रन, अमृता अजय, रेबा मोनिका जॉन और वर्षा बोलम्मा नजर आए थे। इस फिल्म को एटली ने डायरेक्ट किया था। इसकी कहानी भी उन्होंने लिखी थी और इस फिल्म के डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे थे। इस फिल्म को कलपति एस अगुरम, कलपति एस गणेश, कलपति एस सुरेश ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म के म्यूजिक एआर रहमान ने दिए थे और इसके लिरिक्स विवेक ने लिखे थे। इस फिल्म को कुल 4200 स्क्रीन्स के साथ 25 अक्टूबर सन 2019 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की, तो इस फिल्म का बजट 128 करोड़ था। इस फिल्म ने इंडिया में 170 करोड़ 1 लाख कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 32 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले हफ्ते में 101 करोड़ का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने 210 करोड़ का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन किया था, तो ओवरसीज में 92 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें, तो इस फिल्म ने 301 करोड़ 20 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस फिल्म को 6.9 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 2019 की नंबर वन हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म रही थी। तो चलिए इस फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर एक, ये फिल्म विजय और नयनतारा के साथ में तीसरी फिल्म थी। इससे पहले दोनों ने साथ में विल्लू और शिवकाशी फिल्म में काम किया था। नंबर दो, इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने के एक घंटे के अंदर ही इस फिल्म के ट्रेलर को 1 मिलियन से भी ज्यादा लाइक्स मिल गए थे। इस फिल्म का ट्रेलर उस समय का वर्ल्ड का सबसे जल्दी 1 मिलियन लाइक्स पाने वाला ट्रेलर बना था। नंबर तीन, ये फिल्म विजय की लगातार तीसरी फिल्म थी जो दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी। नंबर चार, ये फिल्म विजय के करियर की अब तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म रही है। नंबर पांच, ये फिल्म विजय की डायरेक्टर एटली के साथ में तीसरी फिल्म थी। इससे पहले दोनों ने साथ में मार्शल और थेरी फिल्म में भी काम किया था। नंबर छह, इस फिल्म में विजय ने छठवीं बार डबल रोल निभाया था। इससे पहले उन्होंने अजाग्या, कथती, पुली, विल्लू और मार्शल फिल्म में भी डबल रोल निभाया था। हालांकि मार्शल में उन्होंने डबल से ज्यादा ट्रिपल रोल निभाया था। नंबर सात, ये फिल्म विजय और जैकी श्रॉफ की साथ में पहली फिल्म थी। नंबर आठ, ये फिल्म थिएटर में 100 दिनों तक चली थी। नंबर नौ, नयनतारा से पहले उनका रोल कियारा आडवाणी और रश्मिका मंदाना को ऑफर हुआ था, लेकिन दोनों ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। नंबर दस, इस फिल्म के टाइटल को 21 जून सन 2019 को अनाउंस किया गया था और इसी दिन ही विजिल का फर्स्ट लुक भी जारी किया गया था, क्योंकि 22 जून को विजय का जन्मदिन रहता है। नंबर 11, ये पहली तमिल फिल्म थी जिसे इजिप्ट और जॉर्डन में रिलीज किया गया था। नंबर 12, इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही थिएटरिकल, डिजिटल, सैटेलाइट, म्यूजिक और डबिंग राइट से लगभग 220 करोड़ कलेक्शन कर लिया था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसे ही बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।